नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं नायका हॉल। तो मैं इंडिया गई थी, अभी एक महीने बाद मैं वापस दुबई आ चुकी हूं और मैं सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं अपना नायका हॉल। नायका का पिंक फ्राइडे सेल भी लगा था और उस दौरान भी मैंने कुछ प्रोडक्ट्स पिक किए हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको पहले से ही बता दूँ, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैंने काफ़ी सामान इकट्ठा कर लिया है नायका के थ्रू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम नायका ब्रांड के ही प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। ये जो स्किन जीनियस बीबी क्रीम है ऑल इन वन, ये मैं पहली बार ट्राई करने वाली हूँ। और ये है ऑल इन वन क्रीम विथ SPF 30 ग्राम का ये प्रोडक्ट है और 2 साल की इसकी एक्सपायरी है और 349 इसका MRP है। इसे मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया है, कुछ ऐसा दिखता है। बीबी क्रीम्स काफ़ी लोग यूज़ करते हैं एंड मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है बीबी क्रीम्स में। मैं फुल कवरेज या मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशंस पसंद करती हूँ क्योंकि मेरे एक्ने मार्क्स रह गए हैं। पर मैंने सोचा कि चलो, नायका का स्किन जीनियस फाउंडेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा लगता है मेरी स्किन पे एक्चुअली। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बीबी क्रीम को भी यूज़ किया जाए, ट्राई किया जाए। एंड दिस वन इज़ इन द शेड रिच हनी। यार बाहर से देख के तो ये मेरे शेड का लग नहीं रहा है, पर आई डोंट नो, मेरे फेस पे जब मैं इसे अप्लाई करूँगी तभी मैं बता पाऊँगी। हाथ पे स्वाच करने से कुछ खास पता चलता नहीं है। इट हैज़ गॉट ऑरेंज अंडरटोन, मेरा थोड़ा न्यूट्रल अंडरटोन है। आई डोंट नो, वील सी ये मुझे कितना मैच करता है। हाथ पे आपको सनलाइट में शायद ज़्यादा दिख भी नहीं रहा होगा, बट डोंट वरी, मैं इसका स्वॉच इंसर्ट कर दूँगी प्रॉपर इंडोर लाइटिंग में, तो आपको समझ आएगा कि कैसा है। दैट वॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट। कलर वाइज आई डोंट थिंक दैट इट्स अ परफेक्ट मैच। तो लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट। ये भी स्किन शील्ड एंटी पॉल्यूशन फाउंडेशन है, कभी ट्राई नहीं किया मैंने। दिस वन इज़ इन द वेरियंट हॉट हनी और पहली बार ट्राई करूँगी। काफ़ी लोगों को इसके बारे में मैंने बात करते सुना है, तो मैंने सोचा चलो इसे खरीद लेते हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है ब्लैक पैकेजिंग में एंड लुक्स क्वाइट गुड। ट्रिपल एक्टिव एक्शन फॉर्मूला, एंटी पोल्यूशन, डीप हाइड्रेशन, ऑयल कंट्रोल एक्शन, 30 ml का मिल रहा है। सो क्वाइट एक्साइटेड फॉर दिस वन। एंड शेड के बारे में मत पूछना, मैंने ऑनलाइन देख के बस समझ लिया था कि भाई ये शेड लग रहा है कि मुझे सूट करेगा, बट आई एम नॉट श्योर नाउ। अक्सर मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, मैं कॉन्फिडेंट रहती हूँ क्योंकि मेरा न्यूट्रल अंडरटोन है। तो वील सी ये शेड मैच करता है कि नहीं। इस लाइटिंग में, एज आई सेड, यू माइट नॉट बी एबल टू इवन अंडरस्टैंड, बट दिस वन हैज़ गॉट येलो अंडरटोन, सो दैट्स दैट। नायका से मैंने और दो चीज़ें पिक की हैं, जो कि नायका का आई एम ब्लैक काजल है। मैं बहुत सालों से इस काजल को, जो कि पेंसिल फॉर्म में आता है, ट्राई करती आ रही हूँ, यूज़ करती आ रही हूँ, ट्राई करके यूज़ करती आ रही हूँ रेगुलरली। तो मैं सोचा क्यों ना इस बार ये जो ट्विस्ट अप पेन आता है उसको यूज़ करूँ। और ये कुछ ऐसा दिखता है, ब्लैक कलर का काजल है। आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस वन। अच्छे से ग्लाइड कर रहे हैं मेरी स्किन पे। डेफिनेटली एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो पेंसिल फॉर्म में आता है वो रिच ब्लैक कलर का काजल है, मेरा फेवरेट है। पर अगर आपने अपने कंसीलर को सेट नहीं किया है तो वो काजल जो है वो आपके अंडर आइज पे फैल जाएगा। दैट हैपेंड टू मी, सो आई एम टेलिंग यू। नेक्स्ट अप इज़ नायकाज लिप डोंट लाई पिलो फाइट। या दैट्स द लिप लाइनर शेड। मुझे ये काफ़ी अच्छा मूवी पिंक लग रहा था तो मैंने इसे पिक कर लिया और देखते हैं ये कैसा निकलेगा। आई थिंक ये 200-300 रुपये की लिप लाइनर है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। सेल पे मुझे सही प्राइस पे पड़ गया था। सेल प्राइसेस भी मैं स्क्रीन पे डालती चली जाऊँगी ताकि आपको पता चल जाए, और मैं इसे खोल के वापस आती हूँ। तो आई एम बैक। ये रही नायका की पिलो फाइट लिप लाइनर और ये कुछ ऐसा दिखता है। इट्स अ पिंक शेड, आई लव दिस शेड। यू नो, ये काइली के क्रिस्टन की याद दिला रहा है मुझे एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई दिस लिप लाइनर। काफ़ी क्रीमी है, वुडन पेंसिल है एंड आपको ये शार्पन करना पड़ेगा, दैट्स दैट। बट या आई डिड गेट दिस वन फॉर फ्री। नायका का सामान मैंने खरीदा तो उसमें ऑफर चल रहा था कि नायका की किसी भी शेड के लिपस्टिक को देंगे। मुझे पेप टॉक शेड दिया है, इट्स अ ब्यूटीफुल पिंक शेड। मैंने ऑलरेडी ये शेड खरीद रखा था नायका से और ये मेरे पास अब एक्स्ट्रा है, इसलिए मैं इसे खोल नहीं रही हूँ। इट्स इन द शेड पेप टॉक। बहुत ही प्यारा शेड है, पिंक शेड। अभी वेडिंग सीजन आ ही चुका है तो आप ऐसे शेड्स अप्लाई कर सकते हैं। ये जो मैंने लगा रखा है, ये माई ग्लैम की लिपस्टिक है, लिक्विड लिपस्टिक। सो आई लव सच शेड्स इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। चलो मैं आपको ना मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स भी दिखाती हूँ जो मैंने खरीदे। मामा अर्थ के ये दो प्रोडक्ट्स मैंने खरीदे, इसके अलावा दो प्रोडक्ट्स और मैं ऑलरेडी
इन्हीं दोनों रेंज में से खरीद के आपको दिखा चुकी थी अपने पिछले नायका हॉल वीडियो में। तो ये है मामा अर्थ का नरिशिंग नेचुरल लिप चीक एंड आई टिंट विथ विटामिन सी एंड रोज पेटल, एंड ये है सॉफ्ट मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक। तो ये बुलेट लिपस्टिक है, ये क्रीम ब्लशर है, दिस वन इज इन द वेरिएंट रोज पिंक। एंड मामा अर्थ का ब्लशर मैंने ट्राई किया है, अगर आपने मेरी ट्यूटोरियल वीडियोस देखी हैं उसमें आपको दिख गया होगा। आई हैव ट्राइड वन शेड, क्वाइट लाइक द शेड एंड द लॉन्जिविटी, सो फॉर्मुलेशन वाइज इट्स अ गुड प्रोडक्ट। ये बीट रूट कलर का प्लम बेरी शेड कह सकते हो आप, काफ़ी अच्छा लगता है ऐसा शेड हमारी स्किन टोन पे। अगर आप डर गए हैं तो डरिए मत, क्रीम ब्लशर्स जो होते हैं ना वो बिल्डेबल होते हैं और क्रीमी होते हैं, तो आप अपने फिंगर की मदद से ऐसे प्रोडक्ट को अपनी चीक पे अच्छे से पैक कर सकते हो एंड यू विल बी गुड टू गो। बहुत अच्छा ब्यूटीफुल शेड है, मीडियम टू डीपर स्किन टोन्स को ना ऐसे शेड्स आराम से सूट करते हैं, और ये मिरर के साथ भी आता है। काफ़ी कॉम्पैक्ट है, ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है, देयर इज नो डाउट। इसके अलावा जो मैंने मैची किया ये है मलबरी पिंक में, और मुझे चाहिए था कि मैं ऐसा शेड ट्राई करूँ। ऑलरेडी मेरे पास पेटल पिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टिंग दैट्स द शेड नेम, दैट्स व्हाट आई हैव गॉट। और अभी मैंने इसे लिया और मैं इसे खोल रही हूँ, आप देख सकते हैं कितने बेकार तरीके से खोला है मैंने, पर खोल लिया है। मामा अर्थ सॉफ्ट मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक, ये कुछ ऐसा दिखता है, वाइट कलर की पैकेजिंग में है और कलर जो है मैं उसे देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। काफ़ी अजीब सी स्मेल है इसकी, काफ़ी केमिकल लाइक, और ये पिंक बेरी शेड है, क्वाइट लाइक इट, वाओ आई लव द शेड। ऐसे बेरी शेड्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे स्किन टोन पे भी अच्छे लगते हैं, तो आपने अगर इस रेंज को ट्राई नहीं किया तो डेफिनेटली कर सकते हो। इट्स अ ब्यूटीफुल शेड प्लस द फॉर्मुलेशन इज रियली कंफर्टेबल इज व्हाट आई कैन से। सो ये दोनों चीज़ें मैंने मामा अर्थ की खरीदी थी। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा मेबलिन के प्रोडक्ट्स भी दिखा देती हूँ, क्योंकि ये जो कोलोसल काजल है मैं बहुत सालों पहले यूज़ किया करती थी, अभी भी मेरे पास एक आध रखे हुए हैं। मैं सोचा क्यों ना ये पैक ऑफ टू खरीद लिया जाए, 378 रुपीज़ का था, सेल पे मुझे सही दाम पर पड़ गया था। और मेबलिन का कोलोसल काजल, मुझे याद है लैक्मे का काजल, मेबलिन का काजल बहुत पॉपुलर हुआ करता था, अभी भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं इसे, सो दैट इज़ द रीज़न आई पिक दिस वन अप। तो पैक ऑफ टू आ था, पैक ऑफ थ्री भी आता, मैंने पैक ऑफ टू पिक किया क्योंकि आपने देखा मैंने नायका का ऑलरेडी एक काजल खरीदा था, तो कितनी काजल खरीद लेती मैं। तो ये है नेक्स्ट वन, इसको तुम पता नहीं मुझे आजकल ना, मैं बहुत पहले डीप रेड्स मरून्स लगाया करती थी लिपस्टिक्स, और अब मैंने ना थोड़ा कम कर दिया, तो मैंने सोचा कि भाई मैंने कम तो कर दिया है पर आई माइट एक्सप्लोर मोर सच शेड्स। तो मैंने कलर सेंसेशनल द क्रीमी मैट्स का ना रिच रूबी शेड पिक किया मेबलिन का, और शेड मुझे ऑनलाइन देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, सो लेट्स सी टुगेदर कि एक्चुअल कैसा दिखता है ये, और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज़ दिस शेड। काफ़ी समय हो गया मेबलिन की लिपस्टिक खरीदे हुए मुझे, अदरवाइज न्यू नुआंस और टच ऑफ स्पाइस खरीद के बार बार मैं उसे स्टॉक अप करती रहती हूँ, पर डीप शेड्स थोड़ा मैं कम खरीद रही थी, तो मैं सोचा इसे भी खरीद के देखते हैं। लेट्स सी, पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी मुझे, कलर कोडेड सी लग रही है, लेट्स वॉच दिस। ओ इट्स लुकिंग नाइस, इट्स अ ब्लड रेड, इट हैज़ गॉट ब्लू अंडर टोन्स, इट्स लुकिंग सो प्रिटी, लेट मी स्वॉच इट, वाओ आई लव इट, कितने अच्छे से ग्लाइड हो गया, एंड दैट्स द रीज़न आई हैव बीन लविंग मेबलिन लिपस्टिक्स फॉर ईयर्स। बहुत ही ब्यूटिफुल शेड भी है जैसे कि आप देख सकते हैं, और अप्रोप्रिएट फॉर विंटर्स है, दैट आई विल डेफिनेटली से विंटर सीजन में ऐसे शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अप्लाई दिस ऑन माई लिप्स। ये अच्छा हुआ मैंने ये रेड शेड खरीदा, आई वॉज मीनिंग टू हैव दिस काइंड ऑफ शेड इन माई कलेक्शन, नॉट दैट आई डोंट हैव इट बट आई वॉज फीलिंग लाइक हैविंग इट। सो या जैसे मैंने कहा कि मैं रेड शेड्स एक्सप्लोर करना चाहती थी, तो मैंने कोड रेड शेड बाय L18 भी पिक किया, ये थोड़ा डीपर मरूनिश रेड है, सो डीवा बाय मैक, यू कैन थिंक ऑफ दैट। सो दिस इज द शेड बाय L18, एंड इफ़ यू डोंट नो ऑलरेडी आई लव लिपस्टिक्स, ये कलर पॉप्स मैट लिपस्टिक बाय L18 है, ये मैंने पिक किया है। और नेक्स्ट अप है मिस क्लेयर का मैट एंड पर्ली ग्लॉस, ये भी काफ़ी वायरल है इंटरनेट पे इंडियन मार्केट में, तो मैंने सोचा कि ये किफ़ायती दाम पे 75 रुपीज़ यहाँ लिखा हुआ है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये किफ़ायती दाम वाला लिप ग्लॉस भी ट्राई कर लिया जाए। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई दिस लिप ग्लॉस, एंड आई एम इन टू लिप ग्लॉसेज। मेबलिन का पेटल लिप ग्लॉस जो कि लिप्टर ग्लॉस रेंज में आता है, वो मैं हर दिन लगा रही हूँ, सो दैट्स हाउ इट इज़ राइट नाउ। आई एम अ ग्लॉस पर्सन एंड आई एम क्वाइट लाइकिंग द फील ऑफ द ग्लॉसेज ऑन माई लिप्स, तो मैंने सोचा कि ये पिंक ग्लॉस भी ट्राई करके देखते हैं। आई वुड डेफिनेटली से स्मेल्स प्लेजेंट
एंड ये जो है ना मुझे लिक्विड लिपस्टिक ज़्यादा लग रहा है, लिप ग्लॉस कम, सो आई डोंट नो, वी विल सी. अभी स्वॉच करके देखती हूँ मैं. दिस इज, इट्स अ ब्यूटिफुल पिंक, इट्स अ ब्राइट पिंक इंडीड. आई एम नॉट श्योर लोगों को ये शेड कैसा लगेगा, पर मुझे पिंक शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं. तरह तरह के पिंक शेड्स मेरे पास हैं एंड आई क्वाइट लाइक पिंक लिप ग्लॉसेस, सो दैट्स दैट. मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगी, तो लैक्मे का ब्लर परफेक्ट मेकअप प्राइमर. अगेन दिस इज अ वेरी फेमस प्रोडक्ट. सो ब्लर परफेक्ट द परफेक्ट स्टार्ट फॉर अ फ्लॉलेस प्रोफेशनल मेकअप फिनिश. सो दिस इज व्हाट आई हैव पिक्ड. इट्स अ प्राइमर. मेकअप प्राइमर्स मैं कम यूज़ करती हूँ, मेरी एक्ने प्रोन स्किन है. नॉर्मल टू ड्राई होती है, पर उसकी मर्जी, जब एक्ने आना होता है कहीं कहीं आ जाता है, निशान भी छूट जाता है. आई ट्राई टू अवॉइड सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स, बट मैं मेकअप पसंद करती हूँ तो मैं लगा लेती हूँ कभी कभी. एंड आई एम नॉट यूजिंग सच प्राइमर्स रेगुलरली. FYI, मैं खरीदती ज़रूर हूँ पर कम यूज़ करती हूँ. दिस इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू से. सो ये लैक्मे का ब्लर परफेक्ट मेकअप प्राइमर है और ये मैंने लिया है. लेट्स वॉच इट. ओके, इट्स नॉट सिलिकॉन बेस्ड, दैट्स व्हाट आई कैन से. ये कुछ ऐसा पिंकिश सा दिख रहा है, मैक की स्ट्रोक क्रीम जैसा दिख रहा है, पर है कैसा आई डोंट नो. मे बी इट्स अ मैटिफाइंग प्राइमर, दैट्स व्हाट आई कैन से. सी, यहाँ पे अप्लाई किया था मैंने और वो मैटिफाई हो चुका है. सो या, लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज दिस. इसके अलावा जो एक्साइटिंग प्रोडक्ट है वो ये है, लिक्विड हाइलाइटर बाय लैक्मे. दिस वन इज इन द वेरिएंट रोज गोल्ड. लैक्मे का ल्यूमी क्रीम मेरा फेवरेट हो चुका है, मैं हर दूसरे वीडियो में से यूज़ करती हूँ. 300 रुपये के आसपास का आता है, सेल पे और सस्ते पे मिल जाएगा आपको. मैंने नहीं खरीदा इसे इस बार क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी बच रहा है वो यूज़ अप करने के लिए. तो मैंने ये खरीदा, लिक्विड हाइलाइटर बाय लैक्मे. आई हैव नेवर ट्राइड एनी हाइलाइटर फ्रॉम लैक्मे, सो आई वाज लाइक लेट मी गिव इट अ ट्राई. और ये वेल सील्ड है जैसा कि आप देख सकते हैं. प्राइमर वॉज नॉट सील्ड समहाउ, बट या दिस वन वॉज सील्ड. इसको स्वॉच करके देखते हैं क्या है. आई लाइक इट, आई लाइक द शेड. आप देख सकते हैं यहाँ पे वो दिख भी रहा है शेड, और कुछ ऐसा दिखता है शीन, देख रहे हो आप. आई एम क्वाइट लाइकिंग इट. मैं यूजुअली ऐसे हाइलाइटर्स, ओ इट्स क्वाइट लिक्विडी एज वेल, मैं ऐसे हाइलाइटर्स को ना अपने फाउंडेशन के साथ मिक्स करके ऐसे इल्यूमिनेटिंग बेस यूज़ करती हूँ. आप देख रहे हो ब्लाइंडिंग इफेक्ट. वाओ, आई क्वाइट लाइक इट. इट हैज़ गॉट सिल्वर टिंच टू इट फॉर श्योर, एंड आई एम स्केप्टिकल टू सी हाउ इट टर्न्स आउट टू बी ऑन माई फेस. अपने फाउंडेशन में मिला के मैं पूरी वाइट बूथ लगूंगी या क्या, आई कान से. मैं जब यूज़ करूँगी तभी बता सकती हूँ. और इसीलिए आप मेरे शॉर्ट्स फीड पे ज़रा ध्यान दिया करें, वहाँ पर मैं काफ़ी वीडियोज़ डालती रहती हूँ, नए नए प्रोडक्ट्स ट्राई करती हूँ और अपने जो रिव्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं, वो शॉर्ट्स फीड के थ्रू भी शेयर करती रहती हूँ. नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये कामसी का आई शेडो है. हमेशा से 1000 रुपये का रहता था, इस बार सेल पे मुझे 968 समथिंग का पड़ा. काफ़ी अच्छा डियोक्रोम आई शेडो है. यस, काफ़ी महंगा है क्योंकि मार्स का जो आई शेडो है डियोक्रोम, वो 400-500 रुपये में आपको मिल जाएगा, सेल पे और सस्ते में मिल जाएगा. उस हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है, देर इज़ नो डाउट. पर मैंने काफ़ी लोगों को इसे यूज़ करते हुए देखा एंड आई वाज लाइक वाओ, इट्स लुकिंग स्टनिंग, सो लेट मी गिव इट अ ट्राई. पर मैं सच कहूँगी, आई डिडंट थिंक कि मुझे इसे लेना चाहिए, खरीद लेना चाहिए, क्योंकि मुझे महंगा लगा. पर मैंने लास्ट टाइम सोचा इसके बारे में और मैंने सोचा चलो एक ले लेते हैं, अच्छा निकला तो सही है, नहीं तो एक्चुअली इट्स गोइंग टू बी अ वेस्टेज ऑफ मनी. पर मैंने ले लिया है. ये कारमेसी का आई शेडो है और ये है इन द शेड 500 कामसी मिलानो इनसेन शिफ्टर्स आई शेडो, और कुछ ऐसा दिखता है. देखो, बात आती है के ब्यूटी की, तो मुझे के ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा पसंद है. अगर आपको पता नहीं है, कटरीना का ये ब्रांड बहुत ही अच्छा लगता है एंड आई डू कंपेयर इट विद रेयर ब्यूटी, क्योंकि रेयर ब्यूटी इंडिया में और UAE में दोनों जगह बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है. के ब्यूटी जो कि सेलिब्रिटी ब्रांड है और काफ़ी किफ़ायती दाम पर उसके प्रोडक्ट्स मिलते हैं, सेल पे और सस्ते में मिल जाते हैं. तो मैं आपको ज़रूर से बताना चाहूँगी कि मैंने के ब्यूटी के भी कुछ प्रोडक्ट्स पिक किए हैं. सबसे पहला जो प्रोडक्ट मैंने पिक किया है वो है ये, इट हैड टू बी दिस वन. मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि मुझे केयर फ्री के ब्यूटी का ये आई शेडो पैलेट चाहिए. मैं वेट ही कर रही थी कि कटरीना का ये ब्रांड यू नो लॉन्च करे कलरफुल आई शेडोज, तो उन्होंने ये पैलेट लॉन्च किया इसी साल एंड आई वॉज लाइक येस यू गो गर्ल बिकॉज आई एम गोइंग टू परचेज इट फॉर श्योर. और इसके ऊपर जो आर्ट वर्क है बाय गौरवी शर्मा, इफ आई नॉट मिस्टेकन, आई एम रियली थ्रिल टू हैव दिस पैलेट इन माई कलेक्शन. लेट मी ओपन दिस फॉर यू. मैंने इसे ओपन करके देख लिया था, टूटा फूटा नहीं था एंड आई कैरी इट टू दुबई. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ब्यूटिफुल वर्क, केयर फ्री पैलेट. ये वुडन पैकेजिंग में आता है
विथ मिरर, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। एंड शेड्स मैं दिखा देती हूँ, बट लाइक द शेड्स ऑनेस्टली, अगर शेड जो यहाँ पे हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते तो मैं पैलेट नहीं खरीदती। ऑल द शेड्स आर प्रीटी ब्राइट, एंडलेस आई लुक्स मैं क्रिएट कर सकती हूँ इससे। क्वाइट लाइक द पैकेजिंग एज वेल, वेरी स्टर्डी, ट्रेवल फ्रेंडली, कम्स विद अ मिरर, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव दिस ऑन माय आईज। तो ये लिया मैंने। इसके अलावा के ब्यूटी के जो आई पेंसिल्स है ना, स्पेड इज वन ऑफ द शेड्स दैट आई ओन ऑलरेडी, एंड इट्स अ रियली ब्यूटिफुल शेड, ब्लैक ब्लैक रिच ब्लैक काजल है वो। तो उन्होंने और अपने आई पेंसिल्स निकाले थे, जेल लाइनर्स एंड आई थिंक जो उनका ट्विस्ट अप पेंसिल है, काजल पेंसिल, उसका रेंज उन्होंने एक्सपैंड किया था। तब मैंने नहीं खरीदा, पर इस बार मैंने खरीदा है। तो ये ड्यो ही आ रहा था, दोनों साथ में आए हैं। दिस वन इज इन द, दिस इज द काजल विच इज, दिस इज के ब्यूटी कोल स्टार 24 आर काजल इन द शेड टील, एंड दिस इज देयर इंक आर्टिस्ट जेल काजल ब्लू। सो आई विश ये ब्लू थोड़ा सा ब्राइट ब्लू होता है, इट्स काइंड ऑफ नेवी ब्लू, आई डोंट लाइक नेवी ब्लूज मच एज कम्पेयर टू ब्राइट ब्लूज, क्योंकि नायका का हेक्स मेरा फॉर एवर फेवरेट आई पेंसिल है। इट्स अ ब्यूटिफुल मैट ब्लू, ब्राइट ब्लू आई पेंसिल, एंड आई लव इट, आई एम ऑब्सेस्ड विद दैट। और इतने, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया कि इतने सालों से मैंने उसे रखा हुआ था, ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया था, पर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का निकला। अभी तक जेल पेंसिल्स जो होते हैं या फिर ऐसे पेंसिल्स जो आई पेंसिल होते हैं ना, वो सूख जाती है, वो अभी तक नहीं सूखा है। एंड आई हैव बीन ऑब्सेसिंग ओवर इट, एंड आई लव इट, मैं उसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आप भी उसे ट्राई कर सकते हो, ग्लैमराइज रेंज से आता है। बात कर लेते हैं इसकी, तो ये टील कलर का आई पेंसिल है, काजल पेंसिल टू बी प्रिसाइज, एंड I really wanted to have this kind of shade in my collection. मेरे पास already Essence Cosmetics का teal color का काजल pencil है। I really wanted to have from K Beauty, क्योंकि मुझे पता था बहुत अच्छी quality का भी होगा। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से glide भी किया है इसने, तो ये color भी unique है और इसलिए मैंने इसे pick किया। Talking about this one, यार शेड मुझे ट्राई करना था। आई डिड थिंक कि ये थोड़ा सा ब्राइट ब्लू आएगा, आई एम ऑलरेडी बिट डिसअपॉइंटेड, बट उन्होंने कुछ भी रिसीव नहीं किया, उन्होंने इसी तरह का कुछ शेड रख रखा था ऑनलाइन भी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये एकदम ब्राइट ब्लू दिखा था और आया नहीं है। दिखाया भी ऐसे ही था और आया भी वैसे ही है जैसे उन्होंने दिखाया था, सो इट्स नॉट ऑन द ब्रांड। आई डोंट नो, आपने इस रेंज से कुछ ट्राई किया तो मुझे भी बता दो। मैं तो गोल्डन कलर भी उठाने वाली थी, पर फिर मेरे पास NYX का गोल्डन कलर का शिमरी आई पेंसिल पेंसिल ऑलरेडी है, सो आई वॉज लाइक कि क्या करें, गोल्डन नहीं लेते, एंड आई पिक दिस वन अप इन द शेड ब्लू, लुक समथिंग लाइक दिस, एंड लेट मी स्वॉच इट फॉर यू। वाह, बहुत अच्छे से स्वॉच हो गया, ग्लाइड तो बहुत अच्छे से हो गया, देर इज़ नो डॉट, बहुत प्यारा भी लग रहा है। बट या आई विश इट वॉज अ लिटिल बिट ब्राइटर, ये ना शिमर भी लग रहा है, ये देखो थोड़ा टूट भी गया है, थोड़ा सा टूट गया है। के ब्यूटी के काजल पेंसिल जो स्पेड में बता रही थी ना, वो भी इसी तरह से मेरा टूटता फूटता जा रहा है। सो या ये थोड़े से स्मूथ होते हैं, और आई डू बिलीव कि आप इसे यूज़ करके ख़त्म कर लो, वरना आप पैसे वेस्ट करोगे, क्योंकि बाद में हल्के से सूखने लगते हैं, टूटने लगते हैं, एंड वॉट नॉट। सो के ब्यूटी का जो लिप लाइनर इन द शेड फेम है, वो भी मेरा फेवरेट है, वो मैं इतना कर चुकी हूँ यूज़ कर करके, तो मैंने एक नया शेड पिक किया। इनफैक्ट ये दोनों साथ में ही आए थे, 1200 रुपये का पड़ा था मुझे, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। दिस वन इज़ मैट एक्शन लाइन एंड फिल लिप पेंसिल इन वैनिटी, ये लिया है मैंने, और इसके साथ रिहर्सल शेड आया था। मुझे पता था कि ये शेड मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वैसे ये थोड़ा ज़्यादा पिंक लग रहा था स्वॉचेस जब मैंने देखे नायका पे, बट आई डोंट माइंड दिस, इट्स अ ब्यूटीफुल शेड, काफ़ी प्यारा शेड लग रहा है देख के, लेट मी स्वॉच इट फॉर यू। स्वॉच करने की जगह भी नहीं छोड़ी है मैंने, पर मैं फिर भी स्वॉच कर देती हूँ। वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी पिंक शेड, आई एम सो हैप्पी कि मैंने इसे पिक किया। तो आप देख सकते हैं ये शेड कैसा दिख रहा है, ये बहुत प्यारा शेड है, और रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव इट। ऑलरेडी मेरे पास दो डिफरेंट शेड्स है, डेब्यू और सुपर हिट, सो आई एम रियली हैप्पी कि मैंने ये शेड पिक किया और अच्छा निकल गया, आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड एट ऑल। और इसके अलावा ये वैनिटी जो शेड है, ये भी अच्छा दिख रहा था मूवी पिंक, इसलिए मैंने इसे पिक किया। बेसिकली दोनों को एक साथ वो बेच रहे थे तो मैंने पिक कर लिया। फेम जो है वो काफ़ी अच्छा ब्राउन लिप लाइनर है, बट अगेन के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स सूखने भी लगते हैं, सो आई हैव टू स्टार्ट यूजिंग इट अप एंड फिनिश इट अप। तो ये शेड मुझे बहुत अच्छा लगा ऑन इट्स ओन, ये जो शेड है ना लिप लाइनर का, वो ये अपने आप में बहुत प्यारा पिंक शेड है, लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसा है, सो आई क्वाइट लाइक इट। सो ये सारी चीज़ें मैंने के ब्यूटी से खरीदी थी।
और हाँ, मैंने इतनी सारी चीज़ें के ब्यूटी से खरीदी थी। मुझे एक प्री फुल साइज लिपस्टिक भी मिली थी इन द वेर एंड डेब्यू, जो कि मैंने अपने सिस्टर इन लॉ से रिक्वेस्ट किया कि आप ले लो, और उन्होंने ले लिया। आई एम सो हैप्पी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वो शेड है एंड दैट इज़ द रीज़न आई डोंट हैव दैट शेड राइट नाउ, द न्यू 3 गिफ्ट दैट आई गॉट फ्रॉम के ब्यूटी। लेट्स मूव ऑन। इसके अलावा मैंने क्लिनिक से अपना फेवरेट टेक द डे ऑफ क्लेंजिंग बाम खरीदा। ये 30 ml का बॉटल है, 1200 रुपये का आता है। इस पर कोई सेल ऑफर नहीं चल रहा था, मैंने फिर भी खरीदा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। आई डू अंडरस्टैंड द हाइप नाउ, क्वाइट लाइक इट। एक्ने प्रोन स्किन को बहुत अच्छे से सूट करता है। मुझे पहले लगता था कि ये मेरे पोर्स को क्लॉक करेगा, मेकअप तो हटा देगा एंड प्रॉब्लम्स होंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक भी कतरा मेकअप का रहने नहीं देता, और इसलिए मैंने इसे रीस्टॉक किया है। और मैंने क्योंकि इसे ख़रीदा था तो मुझे क्लिनिक का टेक द डे ऑफ क्लेंजिंग बाम का और छोटा वर्जन फ्री मिला है ऐसे गिफ्ट, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। बहुत अच्छा है, अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो आप इसे ट्राई करना। लक्स रेंज ऑफ नायका, उसमें आता है क्लिनिक भी और ये भी। ये हुडा ब्यूटी का गोल्ड ऑब्सेशंस पैलेट है। आई पेड 1325, आई थिंक इट वॉज ऑन 15% ऑफ और समथिंग लाइक दैट। इसका MRP 2650 है, सो आई गेस इट वॉज ऑन 15% ऑफ, क्वाइट 50% ऑफ। आई वुड से मेरे पास हुडा ब्यूटी के काफ़ी आई शेडो पैलेट्स ऑलरेडी हैं, और जो ऑब्सेशंस है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, ब्राउन ऑब्सेशंस जो भी वो रिलीज़ करती है, जैगुअर, वो जो छोटे पैलेट्स उन्होंने निकालते हैं, बहुत सारे पैलेट्स हैं मेरे पास हुडा ब्यूटी के 9 pen पैलेट्स, एंड आई रियली वॉन्टेड टू हैव दिस इन माई कलेक्शन। इनफैक्ट आई वॉज आईंग हुडा ब्यूटीज़ वेबसाइट, क्योंकि वो सेल दुबई में भी लगी हुई थी, पर मैंने जब प्राइस कंपेयर किया तो इंडिया में जो सेल लगी थी हुडा ब्यूटी पे नायका पे वो बहुत अच्छी थी। 50% ऑफ पे मुझे ये मिल गया, उतना रेट पे मुझे नहीं मिल रहा था यहाँ पे, सो आई पिक दिस पैलेट अप। आई मस्ट से कि ये जो पैलेट है इसमें ये और ये काफ़ी क्रीमी मेटालिक्स हैं, ये और ये और ये कोर्स मेटालिक्स हैं। दीज आर नॉट क्रीमी एनफ, काइंड ऑफ लिट टॉपर्स इज वॉट आई कैन से। इट कम्स विथ अ गुड फुल साइज मिरर, बहुत अच्छी क्वालिटी का मिरर है, और ये ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है। पैकेजिंग यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़, सो आई एम रियली हैप्पी कि मैंने इसे पिक किया। सो लक्स में से मैंने कुछ इन्हीं 2-3 प्रोडक्ट्स को खरीदा था, एंड आई डिडंट एक्सप्लोर मच लक्स रेंज दिस टाइम। अफोर्डेबल रेंज की बात कर लेते हैं। मार्स कॉस्मेटिक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है इंटरनेट पे, उसका मैं फुल फेस ऑफ मार्स करना चाह रही थी, तो मैंने काफ़ी प्रोडक्ट्स मार्स के खरीदे हैं, और मैं आपको जल्द से दिखा देती हूँ एंड ये वीडियो जल्दी से ख़त्म करती हूँ। डोंट गेट बोर्ड एंड डोंट रन अवे। सो सबसे पहला जो है वो ये है, ये 290 रुपये का मिल रहा था और मुझे थोड़ा आई थिंक 250 रुपये का पड़ गया था। मार्स का गोल्ड कलर का, आई थिंक गोल्डन आर इज अ शेड नेम, वाओ आई लव इट। इट्स अ शैम्पेन काइंड ऑफ शेड, इट्स अ लाइनर, वोंट स्मज वोंट बज काजल, एंड इट कम्स विद अ शॉर्पनर, वेरी गुड फॉर मास। दे हैव किल्ड इट विद द पैकेजिंग, बहुत अच्छी पैकेजिंग थी। पैकेजिंग मैंने सबकी फेंक दी थी यार, मेरे को ट्रैवल करना था, वजन नहीं बढ़ाना था, तो मैंने सबकी पैकेजिंग उठा के फेंक दी। पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स मैंने रिकॉर्ड किए थे कैसे आए थे, और ये मार्स का जो प्रोडक्ट आया था बहुत अच्छी पैकेजिंग में था। कुडोज टू द टीम, वेरी नाइसली पैकेज इट वॉज, सो दैट्स अ गुड थिंग। ये मार्स का आईब्रो पेंसिल है, वाटर प्रूफ आईब्रो पेंसिल इन द शेड 102, ब्राउन कलर का आईब्रो पेंसिल है, एंड या इट्स नॉट क्रीमी इनफ, बट या मुझे लगता है मेरे आईब्रो हेयर को मिमिक करने के लिए सफिशिएंट है। इट कम्स विद दिस स्विस ब्यूटी का, अगर आपने लाइनर देखा है आईब्रो पेंसिल, कुछ कुछ वैसा ही लग रहा है। स्विस ब्यूटी वाला ब्लैक कलर में है मेरे पास, वो भी वुडी है, नॉट द क्रीमीएस्ट, तो इससे भी मेरे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है नहीं। दिस इज व्हाट आई पिक फ्रॉम मार्स। देन आई हैव देयर लिप लाइनर, स्विस ब्यूटी का बॉबी ब्राउन लिप लाइनर मेरे पास है, और मैंने सोचा कि क्यों ना मार्स का जो वायरल लिप लाइनर है वो मैं ले लूँ। आई थिंक इट्स इन द शेड लस्टी पिंक, आई थिंक सो दैट्स व्हाट द शेड इज़। अभी मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है, बट मैंने शायद हाँ यहाँ लिखा है, पर उसके ऊपर MRP चढ़ा रखी है। सो दिस वन इज़ इन द शेड लस्टी पिंक, क्वाइट लाइक द मूवी बेरी शेड ऑनलाइन, और मैंने इसलिए सोचा कि खरीद लेते हैं। ये वैसे आई थिंक 69 rupees की आती है, हाँ 69 rupees लिखा भी है, 69 rupees की आती है, एंड मैं सोच क्यों ना खरीद लिया जाए, तो मैंने खरीदा है। ऐसे कुछ कुछ चीज़ें सेल पे थी, कुछ कुछ नहीं थी, पर जैसे कि मैंने बताया कि मुझे फुल फेस ऑफ मार्स फिल्म करने का मन है और एक्सप्लोर करने का मन है ये ब्रांड, तो क्यों ना किया जाए। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, वेरी पिंक शेड, एंड लेट मी स्वॉच इट, वाओ इट्स अ ब्यूटिफुल मैट लिप लाइनर,
लव इट, नाइस शेड ना, क्वाइट लाइक द शेड एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई दिस. देन आई हैव गॉट द वायरल बीबी क्रीम. काफ़ी लोगों को इसे यूज़ करते हुए देखा है, शेड मैच हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो बहुत लोगों की आई डोंट नो वॉट इज गोइंग टू हैपन विथ मी. आई डोंट नो, यू टेल मी आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा. 30 ml का बॉटम मिल रहा है, स्किन परफेक्शन कलर करेक्टिंग बीबी क्रीम बाय मार्स इज वॉट इज रिटन ओवर हियर. 03 medium is the shade I picked randomly, thinking that it will suit me. I can't guarantee if it will. I don't know. देखेंगे यार, लेना था मैंने ले लिया ऑनलाइन और अब तो वापस भी नहीं हो सकता क्योंकि मैं अब इंडिया में हूँ भी नहीं फिलहाल. एंड आई एम बैक टू दुबई. पैकेजिंग की बात कर लेते हैं, पैकेजिंग बढ़िया लग रही है. जस्ट लुक एट द पैकेजिंग, क्वाइट लाइक इट. एंड स्किन परफेक्शन कलर करेक्टिंग बीबी क्रीम बाय मार्स, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज दिस, नॉट स्वॉचिंग इट. इसकी हालत देख लो. सो या आई पिक दिस एज वेल. ये मार्स का फैब्यूलैश आई लैशेज है उम्फ वेरियंट में. आई डोंट वेयर लैशेज बट अभी रिसेंटली फेस्टिव सीजन, वेडिंग सीजन के टाइम पे आई एम फीलिंग लाइक वेयरिंग लैशेज, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई दीज. बहुत अच्छा स्टाइल लग रहा है. मैंने ख़रीदा मार्स का ये द सिटी पैराडाइज पैलेट एंड इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लग रही थी मुझे ऑनलाइन, इसलिए मैंने इसे पिक किया. और इसमें ना आई शेडो के साथ साथ फेस प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं, सो दैट्स अ रियली गुड थिंग. काफ़ी छोटा है, दिस वन इज इन द वेरियंट मुंबई. मैंने काफ़ी लोगों को दिल्ली वाला वेरियंट यूज़ करते हुए देखा है. अगर आप मीडियम स्किन टोन गर्ल हो और आपको कलरफुल आई शेडोज पसंद है, गो फॉर दिस आई शेडो पैलेट. पैलेट स्टोरी जो है मुझे बहुत अच्छी लगी. आप देख सकते हैं कितने ब्राइट शेड्स लग रहे हैं. ये जो शेड्स हैं कॉन्टोर, ब्रॉन्जिंग, ब्लश और हाईलाइट के लाजवाब लग रहे हैं. हैट्स ऑफ टू मार्स टीम फॉर मेकिंग एनीथिंग लाइक दिस. सो बहुत प्यारा लगा मुझे, पैकेजिंग कितनी क्वर्की है, लव इट. एंड आई थिंक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो है ये मैंने अपने बर्थडे मंथ में खरीदा था जो कि मई में था और ये इंडिया में रखा हुआ था. मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि कैसे आपको अपने बर्थडे मंथ में प्रोडक्ट्स सही प्राइस पे मिल जाएंगे. और ये मार्स का जश्न श्रृंगार पैलेट है. आई वॉज सो एक्साइटेड फॉर दिस वन. तो मेरे पास अब ये आ चुका है, काफ़ी किफ़ायती दाम पर पड़ा था. बाहर से आप देखिए कितना सुंदर और यूनिक पैकेजिंग है. लव द पैकेजिंग, कलर इज रियली गुड, रिच, वेरी मरून शेड. एंड आप ओपन करोगे तो आपको ये मिलेगा. और अगर आप मेकअप बिगिनर हो तो ऐसे पैलेट्स तो डेफिनेटली आप एक्सप्लोर कर सकते हो. आपको 50 पैलेट खरीदने की जरूरत नहीं है. यू कैन सी यहाँ पे आप देख रहे हो सनलाइट पड़ रहे पे कैसा शीन पड़ रहा है ग्लिटर पे. लव इट. ये जो न्यूट्रल साइड है बहुत अच्छा है. अगर आप कलरफुल आई शेडोज करते हो तो उसके लिए ये सेक्शन बहुत अच्छा है. कलर स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज दिस पैलेट. लव द पैकेजिंग एंड लव द कलर स्टोरी दैट इट हैज गॉट. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो. आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें. मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.